उस अराजकता की जिसकी वजह से देश की शांति और कानून व्यवस्था लगातार खतरे में आ रही है। यह अराजकता विवादित बयानों को लेकर भी है और विवादित बयान और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले प्रदर्शनों को लेकर भी। देश की छवि बहुत खराब जाती है ऐसे महामूर्ख और ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के ऊटपटांग जुलूल बयानों से। वो केवल मुसलमानों के नहीं है, वो हिंदू समाज के भी जो है वो पैगंबर और नबी और रसूल है। जो संतों का, सनातन का, शास्त्र और भारतीय संस्कृति का किसी भी तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और वास्तव में ऐसे लोगों के साथ कठोर दंड करना की आवश्यकता है। जब यूपी में अगर हम शांति हुकूमत चाहती है तो हमारी जिनकी आवाज को सुनकर और कबूल करें और उस शख्स को सख्त सजा दें। कांग्रेस की सरकार चल रही है और अब मैं पूछना चाहती हूँ बुलडोजर कहाँ है। समाज के दुश्मन है ऐसे लोग, सद्भावना के दुश्मन है ऐसे लोग, शांति और व्यवस्था के दुश्मन है ऐसे लोग। तो योगी आदित्यनाथ गोदर लेकर हर जगह पहुंच जाते हैं, आखिर इस क्या ये आदमी यूएपीए को इन लोगों के लिए बना था। सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है। देखिए, यति नरसिंहानंद के विवादित बयान, आपत्तिजनक बयान पर प्रदर्शन की बात करें, इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, दासना देवी मंदिर मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो शुक्रवार को दासना मंदिर में यति नरसिंहानंद की मॉब लिंचिंग हो सकती थी। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो शुक्रवार को दासना मंदिर में यति नरसिंहानंद की मॉब लिंचिंग हो सकती थी, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से बड़ी घटना को टाला जा सका। खबर यह है कि मामले को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों के संपर्क में थी, वार्ता कर रही थी। शुक्रवार की रात बड़ी संख्या में भीड़ गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर पहुंची थी, जहां तैनात पुलिस कर्मियों ने हालात को काबू किया। इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से बड़ी घटना टली, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए थे मंदिर के पास, लेकिन जो पुलिस सूत्र हमको बता रहे हैं वो ये कि यति नरसिंहानंद, जिन्होंने विवादित आपत्तिजनक भड़काऊ बयान दिया, उसके विरोध में जब वो लोग भीड़ वहां पर पहुंची तो ये कहा जा रहा है कि यति नरसिंहानंद की मॉब लिंचिंग हो सकती थी। इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से बड़ी घटना को टाला जा सका और पुलिस लगातार समाज के प्रबुद्ध वर्ग से लगातार संपर्क में थी, इसी वजह से इसको टाला जा सका, क्योंकि ये तस्वीरें आई थी। गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर विवादास्पद भड़काऊ आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके खिलाफ देश के कई राज्यों में उग्र और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सख्त चेतावनी आई है, उन्होंने भी वार्निंग दी है कि इस तरह के बयान नहीं। योगी ने कहा कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय और मजहब से जुड़े हुए ईष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पुलिस बता रही है कि मेरा प्रश्न ये है। देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से कुछ बहुत बड़ा टल गया। योगी आदित्यनाथ कहा कि विरोध करिए साहब, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं है। कुछ गलत कहा, मामला कोर्ट में जाएगा, पुलिस कोर्ट सजा देगी, न्यायालय सजा देगा, देश में संविधान सर्वोपरि है, सड़क पर इंसाफ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर ऐसा दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी, सीधी वार्निंग, यानी योगी आदित्यनाथ ने कि ये चेतावनी उन लोगों के खिलाफ भी है जो अपने विवादित बयानों से अराजकता फैला रहे हैं, क्योंकि अराजकता की अति देश के लिए क्षति होती है, अराजकता बयानों की भी, अराजकता इस तरह के विरोधों की भी, उन लोगों के खिलाफ भी है जो विरोध के नाम पर देश में अराजकता फैला रहे हैं। यानी कि योगी की चेतावनी
यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के लिए भी सख्त वार्निंग है, और यति नरसिंहानंद के बयान का उग्र विरोध कर रहे उन लोगों के लिए भी, उन उपद्रवियों के लिए भी जो विरोध के नाम पर उपद्रव कर रहे हैं, अराजकता की अति कर रहे हैं, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। देश में न्यायालय है, संविधान है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत करीब 10 दिन पहले हुई थी। हुआ क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। जब डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने ऐसी आपत्तिजनक विवादित टिप्पणी की जो देश के मुसलमानों को काफी अखर दी, उनका बयान भड़काऊ था, आपत्तिजनक था। यति नरसिंहानंद का यही बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देश भर में उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन जो है शुरू हो गए। अलग अलग तस्वीरें आपको, ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, यूपी के कई शहरों के साथ ही दूसरे राज्यों में भी यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में लोग सड़कों पर आए। आपके सामने सारी तस्वीरें, अमरावती, मुरादाबाद, एटा, आगरा, सहारनपुर, जगह जगह यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी। ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया जाए, FIR हो, सारी चीज सब कुछ हुआ, क्योंकि कानून के हिसाब से होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी साहब। नरसिंहानंद के खिलाफ जो है केस दर्ज करने, फांसी देने की मांग की गई। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में यति नरसिंहानंद के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, कई जगहों पर केस भी दर्ज किए गए। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगह पर हिंसक जो है, भीड़ हिंसक हो गई और थाने पर हमला बोल दिया। यही योगी आदित्यनाथ की एंट्री, कहा कि विरोध चलेगा, अराजकता नहीं, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, विरोध कीजिए। मेरा प्रश्न ये है, देखिए, सजा देगा न्यायालय का काम है, सड़क पर इंसाफ नहीं होगा, लेकिन यहां तो थाने पर हमला हो गया। ये दो तस्वीर आपके सामने, यूपी के सहारनपुर, महाराष्ट्र के अमरावती, जहां यति के बयान के विरोध में सड़कों पर इतनी भीड़, मतलब थाने पर हमला कर दिया। यति ने गलत कहा, जो आप कर रहे हैं वो क्या है फिर? यति का बयान गलत, न्यायालय सजा देगा, सब कुछ कोर्ट में तय होगा, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन पुलिस पर हमला ठीक है, जो यहां हो रहा है वो क्या है फिर? भीड़ ने इस दौरान पथराव किया, पुलिस कर्मियों के साथ कई लोग जख्मी हुए। पहले बात यूपी के सहारनपुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां एक दिन पहले 5 अक्टूबर को बड़ी संख्या में लोग शेखपुरा पुलिस चौकी में मतलब ज्ञापन देने पहुंचे थे। भीड़ नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रही थी। उसके बाद देखिए तस्वीरें, दिखाइए फुल स्क्रीन पर दिखाइए, ये देखिए आप। उसी दौरान भीड़ उग्र हो गई, उसने पुलिस चौकी पर ही हमला बोल दिया। ये देखिए आप तस्वीरें, यूपी के सहारनपुर बताया गया कि मतलब जगह जगह इस तरह कई जगह चौकी पर पथराव हुआ। अचानक हमले में कई पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस ने घटना के बाद उपद्रवियों की तलाशी का अभियान शुरू किया। हंगामे और पत्थरबाजी के वीडियो से आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई, 13 को पकड़ लिया गया। ये मैसेज है साहब, किसी का बयान गलत है, आपत्तिजनक है, भड़काऊ है, सारी चीजें कोर्ट में तय होगा, न्यायालय सजा देगा, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और यही योगी ने भी कहा, विरोध कीजिए, अराजकता नहीं। पकड़े गए गिरफ्त में पत्थरबाज, बाकी बचे फरार आरोपियों की तलाश के लिए एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया। और अब आपको ऐसा ही एक और अराजकता का वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार, महाराष्ट्र के अमरावती में भी इसी तरह से हुआ। भीड़ नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची थाने के सामने, और ये दिखाइए फुल स्क्रीन पर दिखाइए, वहां पर देखिए क्या हुआ। ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि जो है FIR दर्ज करने की मांग हो रही थी। ये देखिए आप, यहां पर भी बताया गया कि 10 से 12 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, 10 से 12 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। सुनाते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, और अब मैं पूछना चाहती हूँ बुलडोजर कहाँ है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कही है और सभी धर्मों को सम्मान देने की बात कही है, तो ये हमारे भारत का कल्चर है, और यही वजह है कि जमहूरी मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, यहाँ हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। पूरे विश्व के अंदर जितने खरब लोग हैं, उन सब की भावनाएं आहत हुई हैं, और लोगों को हमारे देश की छवि बहुत ख़राब जाती है ऐसे महामूर्ख और ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के उलझुल बयानों से।